सो टुडे आई टर्न 23। अब आज मैं जब यहाँ पे बैठ के सोचती हूँ यार, मैंने अपने 23 ईयर्स में क्या क्या किया है, क्या क्या अच्छी चीज़ें करी, क्या क्या ऐसी चीज़ें करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सो आई सिट बैक एंड रियलाइज कि मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ अपनी लाइफ में करी जो अगर मैंने उस टाइम पे नहीं करी होती तो शायद आज मैं जहाँ हूँ उससे और ज़्यादा कहीं ऊपर होती। और ये कुछ ऐसी गलतियां जो हम सभी लोग करते हैं, इट्स नॉट कि सिर्फ मैंने करी है। अगर आप बैठ कर रियलाइज करोगे तो इट माइट हैपन कि आपने वो चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो या पहले कर चुके हो, बट नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट। तो आज लेट्स डिस्कस किया मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, उन गलतियों से मैंने क्या सीखा, एंड एट द सेम टाइम आप क्या सीखो, सो दैट अगर आपने अभी तक वो चीज़ें नहीं करी अपनी लाइफ में तो आप उनको ना करो एंड मे बी यू गेट समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ करी थी अपनी लाइफ में एंड आई रियलाइज वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, दैट आई वॉज नेवर गुड एट स्टडीज़। अब आई डिडंट न्यू द रीज़न कि यार मैं अच्छी क्यों नहीं थी पढ़ाई में, माइट मेरा मन नहीं लगता था, बट मुझे ये रीज़न लाइक आई डिडंट नो बिकॉज वो बहुत छोटे की बात थी मेरी। सो फर्स्ट थिंग इज़ जब मैं अपने क्लास 7th में थी, सो इन माई 7th क्लास आई फेल्ड इन माई 7th क्लास एंड एट दैट डे मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया एंड मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस स्कूल में कंटिन्यू करूँ एक क्लास रिपीट करने वाला, अदरवाइज मुझे स्कूल से बाहर निकलना था। तो आई चूज़ अ सेकेंड वन, पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके वी चूज़ की सेकेंड ऑप्शन, ठीक है यार निकल जाते हैं कॉलेज स्कूल से, किसी न्यू स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। तो मैं बताती हूँ, मैं अपने अपने एरिया के जहाँ पे मैं रहती थी उसके सबसे बेस्ट सबसे टॉप स्कूल में पढ़ती थी, एंड वॉज अ वेरी गुड इंग्लिश मीडियम लेवल स्कूल। सो समटाइम डाउन द लाइन टुडे आई रियलाइज कि यार अगर उस टाइम मेहनत कर ली होती, अच्छे से स्टडीज़ कर ली होती इन माई स्कूल टाइम, सो माइट भी मुझे उस स्कूल से नहीं निकलना पड़ता एंड द स्किल्स जो मुझे क्लास 12th के बाद मैं डेवलप कर पाई अपने अंदर, शायद वो मैंने विद इन माई क्लास 12th में ही कर ली होती, उस टाइम पीरियड के अंदर ही कर ली होती। बट ठीक है, मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया एंड देन आई गॉट एडमिटेड टू एन एवरेज स्कूल, क्योंकि यू नो इफ समवन हैज फेल्ड उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है दैट वेरी अर्ली। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने किया। मूविंग टू सेकेंड पार्ट, उसी में अब मुझे न्यू स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, थिंग्स वर द ऑलमोस्ट सेम जैसे पहले जा रही थी। अब आई वॉज अ स्टूडेंट जो पढ़ने में नहीं अच्छी थी, राइट, मैनी ऑफिस आ गया जिनके स्कूल टाइम में नहीं होते हो आप लोग अच्छे से पढ़ने, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार उस टाइम पे। बट नाउ व्हाट हैपेंड कि आपको किसी ना किसी तरीके से ये चाहिए होता है कि समवन शुड गिव यू अटेंशन, आपको अटेंशन चाहिए होता है एब्सोल्युटली, बिकॉज होता है अगर एक टाइम पे इस क्लास में आज 70 स्टूडेंट्स है कि आप उनको देखोगे इफ यू रियलाइज देम, सो एट दैट टाइम अगर टॉप 5 को अटेंशन मिल रहे सो यू वुड ऑल्सो वॉन्ट कि नहीं यार मुझे भी किस तरीके से मिलने चाहिए। मेरे अंदर भी सेम वो चीज़ आ गई थी उस टाइम पे कि नहीं यार मुझे भी अटेंशन मिलना चाहिए, एंड फॉर दैट अगर मैं पढ़ाई में नहीं अच्छी थी तो मैंने दूसरे तरीके ढूंढने शुरू करे। आप दूसरा तरीका मैंने जो ढूंढा दैट वॉज रॉन्ग फॉर मी, वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा गलत प्रूव हुआ मेरे लिए, और वो था कि मैं बहुत फ्रेंड्स बनाने लग गई। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि दिन रात सिर्फ मैं फ्रेंड्स में ही लगी रहती थी, एंड दैट वॉज अगेन वन ऑफ द मिस्टेक्स विच आई रियलाइज टिल डेट कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो चीज़ अपनी लाइफ में। ठीक है, फ्रेंड सर्कल मेरा काफ़ी बड़ा हुआ। आफ्टर दैट वॉट हैपेंड, जब मैं फ्रेंड्स में लग गई बातें करने में, इधर उधर करने में, स्कूल के टाइम मैंने पढ़ाई नहीं करती थी अपने क्लास में, एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड। सो जब मेरा क्लास 10th खत्म हुआ, थर्ड थिंग हियर मेंशनिंग ओवर, जब मेरा क्लास 10th खत्म हुआ एंड वन डे माय डैड वाज सिटिंग एंड हम लोग लाइक आई गेस कबर्ड की क्लीनिंग कर रहे थे, दैट टाइम ही सॉ कि यार मैंने इतनी सारी जो बुक्स हैं अपनी क्लास 9th और 10th की, मैंने बुक्स तक नहीं खोली उस चीज़ को पढ़ने के लिए, एंड आई एक्सपेक्टेड यार कि मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि जो हम लोग को बुक्स वगैरह मिलती हैं कॉलेज से स्कूल से आपके फॉर स्टार्टिंग, और वी डोंट स्टडी थ्रू, हमको लगता है कि टीचर ने पढ़ा दिया जितना क्लास में, जो थोड़े बहुत नोट्स बना लिए दैट इज़ मोर देन इनफ, बट स्टिल दैट इज नॉट मोर देन इनफ। बुक्स में देर वॉज अ लॉट मोर इन्फो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आई वॉज मिसिंग एट दैट टाइम, जो मुझे होनी चाहिए थी लाइक ऑलरेडी पता होनी चाहिए। पता है उसका फ़ायदा या उसका नुकसान मुझको मेरी ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग टाइम पे मिला कि बच्चों का जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और उन सब चीज़ों से, मेरी वो नहीं क्लियर थे क्योंकि आई नेवर स्टडीड दोज थिंग्स।
सो इट्स अ एडवाइस फॉर एवरी वन यार, कि जो भी यू आर गेटिंग टॉट इन टू योर क्लास, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर पढ़ो, बट अदरवाइज सम डे और द अदर टाइम आपको ये मेन तरीके रियलाइज होने वाला है कि यू शुड हैव स्टडीड दैट पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है? सो दैट वॉज अ थर्ड थिंग. मूविंग नेक्स्ट फोर्थ, अब एज आई टोल्ड यू मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो गया था. वेन आई से बहुत बड़ा हो गया था, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई 10th क्लास मुझे स्कूल छोड़ना पड़ गया था. एंड मैं पहले ही अपने स्कूल, अपने एरिया के टॉप स्कूल में पढ़ रही थी, मैं एवरेज में गई. अब एवरेज से मैं सबसे, लाइक आई वुड से बिलो एवरेज एक स्कूल मुझको जाना पड़ा. एंड बीइंग एडमिटेड इन ए स्कूल जहाँ पे मुझे सब फैसिलिटीज मिल रही थी, टॉप टीचर्स, टॉप एजुकेशन, हर एक चीज़ मिल रही थी, उस पर्टिकुलर प्लेस से आई केम टू अ प्लेस जहाँ पे वो स्कूल एक काइंड ऑफ विलेज स्कूल था. नो प्रॉपर फैसिलिटीज, नो प्रॉपर एजुकेशन, नो प्रॉपर इंग्लिश, नो प्रॉपर टीचर्स, कुछ भी ऐसा वहाँ नहीं था. एंड मैं, आई एम टेकिंग द होल ब्लेम कि वो सब चीज़ें मेरी वजह से हो रही थी, बिकॉज आई वॉज अ वन जिसने प्रॉपरली पढ़ाई में उस चीज़ पे उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया. नेवरदलेस मैंने अब ध्यान दिया, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई डिड ऑल द थिंग्स, बट स्टिल देयर डाउन द लाइन आई स्टिल रियलाइज कि यार अगर उस टाइम पे आई वुड हैव डन दोज थिंग्स, सो थिंग्स हैव बीन मोर, वुड हैव बीन मोर बेटर दैन मी, जो कि आज मेरे लिए हैं. बट आई अगेन शिफ्टेड टू अ वेरी बिलो एवरेज स्कूल एट दैट टाइम. और वो ज़रूरी हो गया था करना, बिकॉज मेरी पढ़ाई, मेरी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि लाइक इट वॉज वेरी नेसेसरी टू डू सो. एंड आई नो आप सब लोग भी स्कूल में होते हो, आप लोग का भी बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एंड मुझे पता है दैट हैपेंस. सो एट द सेम टाइम गाइज रियलाइज कि फ्रेंड्स होना एक अच्छी बात है, बट टोटली उनमें इन्वॉल्व हो जाना, हर एक चीज़ पूरा टाइम उनमें डिवोट करना इज नॉट समथिंग जो कि यू शुड हैव डन इट, ठीक है? नेक्स्ट, अब आई स्टडी टिल माई 11th 12th 12th तक मैंने उसी स्कूल में पढ़ा, बट यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि मेरे आसपास चल क्या रहा है. आई वॉज नेवर अ सोशल पर्सन, नेवर अ सोशल पर्सन. मुझे ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए थी उस टाइम कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या न्यू लॉन्च हुआ है, विद इन द पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, या विद इन द टेक्नोलॉजी क्या चीज़ें हैं. आई नेवर यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स, कभी नहीं पढ़ती थी मैं. एंड स्टिल स्टिल दैट इज़ अ थिंग जो कि एवरी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड हैव, कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वॉट इज गोइंग अराउंड यू. ऐसा नहीं है, मेरे घर से माई पेरेंट्स, माई फैमिली मेम्बर्स यूज टू से कि यार शाम भी पढ़ लो थोड़ा, न्यूज़पेपर्स वगैरह पे ध्यान दिया करो, क्या चल रहा है दुनियादारी में, आपको वो पता होना चाहिए. बट हाँ, आई ऑलवेज यूज टू से यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसे, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा. बट दैट वॉजन समथिंग जो कि मुझको हेल्प करा बहुत लॉन्ग टाइम तक. आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई रियलाइज कि यार ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए थी. यार अगर मुझे उस टाइम वो चीज़ पता होती ना, तो मैं किसी काम को और बेटर वे में कर पाती, राइट? सो कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे लाइफ में हुए व्हेन आई रियलाइज कि अगर मुझे ये इन्फो पहले मिली होती तो आज मैंने इसकी जगह ये कर लिया होता. दैट इंसिडेंट्स हम लोग लाइफ में कभी आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में, बट दैट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जो गलती मैंने करी है, सबसे बड़ी मेरी गलती यही रही कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि कहाँ पर दुनिया में क्या चल रहा है. सो मेक श्योर यू पीपल आर नॉट डूइंग दैट. जस्ट ध्यान रखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लॉन्च हुआ, क्या हटा, क्या नया आया, क्या नया रूल, हर एक चीज़ तुमको पता होनी चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि याद करो, एटलीस्ट एक बार पढ़ लो. पढ़ोगे ना तो अगली बार अगर उस चीज़ की बात हुई तुमको एटलीस्ट थोड़ा पता होगा कि अच्छा ये चीज़ चल रही है मार्केट में, राइट? नेक्स्ट थिंग, मैं इतनी अनसोशल पर्सन थी, इतनी ज़्यादा अनसोशल पर्सन थी कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था. ट्रस्ट मी, दैट टाइम जब मैंने अपना 12th किया था, आई वॉज अराउंड 17 18 उस टाइम पे थी जब मैंने अपना 12th किया था कंप्लीट. एंड बीइंग अ 17 18 ईयर ओल्ड गर्ल, मुझे ये नहीं पता था कि हाउ डू यू राइट एन ईमेल.
मेरे साथ के जितने बच्चे थे, जितने लोग होंगे, एवरीवन न्यू कि यार टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, ईमेल्स कैसे लिखते हैं, आप उनको सेंड कैसे करते हो, ईच एंड एवरीथिंग हर एक लोगों को पता था. एंड एट द सेम टाइम मैं एक जगह थी हु डिडंट न्यू कि हाउ टू राइट दैट ईमेल. एंड ईमेल के साथ ही साथ बहुत सारी और चीज़ें थी जो कि मुझको पता होनी चाहिए थी बट मुझको नहीं पता थी. एंड ट्वेल्थ में मुझे ये आता था कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं बट मुझको ये नहीं पता था कि ईमेल कैसे करते हैं. नो डिफरेंस कम्स हियर कि यार मुझे ये चीज़ पता था कि मेरे सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट को हट के और रेस्ट ऑफ द पूरी दुनिया में क्या हो रहा है मुझको ये नहीं पता था. सो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि अगर आप पढ़ने भी बैठे हो, इट्स नेवर अबाउट कि आप सिर्फ किताबों में घुसे रहो या आपको जो प्रोफेसर या टीचर पढ़ा रहे सिर्फ उसको पढ़ो और काम खत्म हो जाएगा. ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही, एंड जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया आई ट्राई टू फिक्स दिस अप. मैंने ट्राई फिगर आउट किया कि यार मुझको ये चीज़, आई डिडंट हैव टू डू इट अगेन, ताकि द जो चीज़ मुझको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ समथिंग आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि यार वॉट इज इज हैपनिंग, यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अब हमेशा कहा जाता है कि स्कूल इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी मोस्ट ऑफ द स्किल्स डेवलप करते हो, राइट? इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, आप कोई भी स्किल हो आप वहाँ पे डेवलप करते हो. दैट इज़ अ प्लेस विच इज़ स्कूल, और आप उसको यूटिलाइज करते हो आके अपने कॉलेज में. मैंने अपने स्कूल में कौन सी स्किल गेन करी, व्हेन आई सिट बैक टुडे एंड थिंक, तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया अपने स्कूल में. मुझे लिटरली लगता है कि मैंने अपना क्लास फर्स्ट, या उतना छोटे का तो एटलीस्ट मुझको याद नहीं है, बट हाँ जब से मुझको याद है 6-7 से लेकर के एंड टिल माई क्लास 12th, आई सिट डाउन एंड रियलाइज किया मैंने ये साल अपने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किए. आई हैड जस्ट कम्प्लीटली वेस्टेड ईच एंड एवरी सिंगल डे ऑफ दी 7 to 8 ईयर्स. If that time अगर मैं अपने स्कूल में ढंग से पढ़ती, I would have developed public speaking. मुझे public speaking करना आता होता. मैंने debate competitions में मुझे part लेना चाहिए था. जो भी competitions मेरे स्कूल में हो रहे थे, be it technical या non-technical या जो भी थे, मुझे उन सब में participate करना चाहिए था and I would have been doing that very well. और ना पार्टिसिपेट करने का रीज़न भी मैं खुद थी, एंड दैट रीज़न वॉज क्योंकि बचपन में ही मैं अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से बाहर निकाल दी गई थी. सो मेरी इंग्लिश अच्छी थी ही नहीं, राइट? मेरी इंग्लिश ही नहीं अच्छी थी टिल माई 12th क्लास. आई रियली डिडंट न्यू कि आप इंग्लिश बोलते कैसे हो, व्हाट वाज अ प्रॉपर सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, मुझे नहीं पता था. एवरी टाइम मेरे डैड कहते थे कि शामी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और बोलो, इंग्लिश बोलो, वहाँ पे बैठ करके प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा मुझको कहते थे. बट नहीं किया मैंने, कभी भी वो चीज़ नहीं करी. एंड जब मेरा 12th ख़त्म हुआ, व्हेन आई केम इनटू दिस यूट्यूब वाली जर्नी, स्टार्टिंग में मुझे उसके चलते बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है, ट्रस्ट मी ऑन टू दैट. बहुत सारी चीज़ें वर देयर जहाँ पे मैं अपना टाइम बचा सकती थी, मैं उस चीज़ को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकती थी और अच्छे से उस वीडियो को क्रिएट कर सकती, बट मैं नहीं कर पा रही थी. एंड द रीज़न वॉज मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी थी. जिस वीडियो में मुझे हाफ एन आवर या 1 आवर लगना चाहिए था, उस वीडियो में मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता था क्रिएट करने में, जस्ट बिकॉज मैं उतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल नहीं पा रही थी. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच आई रियलाइज स्टिल कि अगर ये नहीं हुआ होता है दैट टाइम, सो मे बी स्टार्टिंग से चीज़ें अलग होती, बट दैट इज़ ओके. आप जब भी चीज़ों को इम्प्रूव करो दैट्स अ गुड टाइम, बट नेवर टू लेट. दैट इज़ सो ट्रू, नेवर टू लेट. बट हाँ, द अपॉर्चुनिटी जो अभी आपके पास है, अगर आप उसको मिस कर दोगे, सो एटलीस्ट सम ऑफ द अदर टाइम यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट बिहाइंड थिंग. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, आफ्टर दैट यार इंग्लिश वगैरह आई टोल्ड यू. अब एज आई वॉज टेलिंग यू कि जब मैं पढ़ती ही नहीं थी तो मुझको अच्छा परसेंटेज कहाँ से मिलता, व्हेन आई नेवर स्टडी मुझे कहाँ यह परसेंटेज मिलने वाला था. सो मेरे क्लास वर्ल्ड में अच्छे परसेंट नहीं आए थे, रियली अच्छे परसेंट नहीं थे. आई वोंट डिस्क्लोज कि कितना था कितना नहीं था, बट आई वुड जस्ट से कि मेरा क्लास 12th में परसेंटेज अच्छा नहीं था. रीज़न मैं खुद थी यार, मैंने नहीं पढ़ा तो कैसे आएंगे अच्छे परसेंटेजेस. सो दैट वॉज ओके. उसके चलते भी आगे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई हैड टू फेस.
अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा, मे बी सब चीज़ें हम लोग समटाइम आफ्टरवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, बट हाँ आई हैड टू फेस अ फ्यू प्रॉब्लम्स. आप लोग में बहुत सारे लोग हो गया जिनके ट्वेल्थ में अच्छे नहीं आते हैं, शायद से कुछ लोग वापस से एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स देते हो गए, या कुछ लोग उसी परसेंटेज के साथ तैयारी करके या मे बी जे वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो गए, या व्हाटएवर जो आपने अपने लिए करियर के लिए चूज़ किया होता. बट वाई वुड लेट दैट कंडीशन हैपन, वो कंडीशन ही क्यों आनी चाहिए. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो यार जो कि अभी ट्वेल्थ आपने नहीं दिया है, स्टिल आप स्कूल में ही हो, यू आर स्टडी, सो डोंट रिपीट दोज मिस्टेक जो मैंने करी है अपनी लाइफ में. आई वुड नेवर वॉन्ट कि यार ये मिस्टेक्स कोई भी करे फिर से, सो दैट आफ्टर सम टाइम आप, आई वॉन्ट यूज़ अ वर्ड जो कि रिग्रेट. रिग्रेट वर्ड तो मैं नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज जब आप कुछ कर लेते हो यू डोंट रिग्रेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ स्टिल आई फील कि वो चीज़ें हो जानी चाहिए थी, दैट इज़ अ थिंग. मूविंग नेक्स्ट, अब आफ्टर ट्वेल्थ हुआ तो ट्वेल्थ के साथ साथ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई जेई एग्ज़ाम ऑल्सो. मैं वहाँ पर अपने जेई के एग्ज़ाम के बारे में भी साथ में प्रिपेयर करती जा रही थी. नाउ द थिंग वॉज कि मैंने अपने क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देते ही मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया, एंड विद इन उसके साथ से मैंने 15 प्लस और एग्ज़ाम दिए जो कि टोटल एक टॉप कंपनीज के, सॉरी टॉप ऑल इंडिया टॉप 15 एग्ज़ाम्स मैंने दिए उस टाइम पे विद द इंक्लूडिंग जेई. अब यहाँ पे यार यू कैन से समथिंग, आप जो कह लो कि जो मैंने गलतियाँ करी थी, ठीक है मेरी गलती थी ये, या मैंने पढ़ा नहीं, या जो चीज़ें मैंने करी हैं उनका रिजल्ट मुझको मिल रहा था, बट मैं सारे एग्जाम्स में उस टाइम फेल हो गई. अब द थिंग वॉज मैं खुद आई एक्सेप्ट कि जब मैं 11th 12th में थी आई डेंट स्टडी दैट वेल, राइट. तो उन्हीं सबको मिला करके दिस वॉज द फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिल रहा था कि आई वॉन्टेड टू गो टू एन IIT या अच्छी NIT एंड परस्यू माई आगे की सारी पढ़ाई. बट हाँ आई डिडेंट, मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन रीज़न, मैं पढ़ाई नहीं करी, दैट इज़ द वन. मूविंग ऑन, उसके साथ जब मैंने साथ ही में एक गलती और करी, अब दैट वॉज मैंने एक साल का ड्रॉप ले लिया. ड्रॉप लिया था मैंने ये कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे किसी भी तरीके IIT में या NIT में जाना है, मुझे वहीं से अपना ग्रेजुएशन करना है, ये डन था. और वो भी मुझे CSE में ही करना है, ठीक है, दैट वॉज द थिंग. और आई मैंने प्रण लिया कि नहीं यार मुझे करना ही है, मुझे पढ़ना है इसके लिए. एंड मैंने स्टार्ट किया उसको पढ़ना, फॉर 15 डेज मैंने उसको पढ़ा, 15 दिन बाद 16वें दिन नहीं पढ़ा, वो जितना भी सब था पूरा एकदम टाइट फिस हो गया मेरी तरफ से, मैं नहीं पढ़ी उस चीज़ को. तो एक ही चीज़ थी मुझमें, दैट वॉज कंसिस्टेंसी. पहले बहुत कंसिस्टेंट किसी चीज़ को करना, आई वॉज अ पर्सन जो कि नहीं कर रही थी बहुत टाइम के लिए. मैं चीज़ों को करती थी, ठीक है 12 दिन 10 दिन 8 दिन 7 दिन, दैट्स इट, वो मेरी एक लिमिट थी उस चीज़ को करने की. या ये कह लो बहुत सीरियस नहीं थी शायद से मैं उस टाइम, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल दैट वॉज द पार्ट कि नहीं हुआ. एंड एज अ रिजल्ट अगेन होना क्या था, नेक्स्ट ईयर अगेन वापस मैंने 15 प्लस एग्जाम्स दिए, मैं फेल हो गई. एंड कंडीशन वॉज इतनी 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 वर्स मेरी कंडीशन थी कि जब मैंने दिया था जे, तो उस टाइम अराउंड 7 लाख के स्टूडेंट्स ने जे का एग्ज़ाम दोबारा दिया था, एंड आई वॉज अ वन जिसको 6,50,000 प्लस रैंक मिली थी. ओके, अब इसके बाद मुझे ये लगा कि यार दिस इज ऑल डन, जे हो गया, ये हो गया, पेपर भी दे लिए, सो इतने एग्जाम भी फेल कर लिए, राइट. सो आफ्टर दैट देयर वाज सम टाइम टू गेट सीरियस, टू सिट बैक एंड थिंक कि यार जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, व्हाट इज द रीज़न, राइट, क्या रीज़न इन चीज़ों को होने का. उन सब चीज़ों पे बैठा बैठे सोचा, दैट इज़ अगेन आफ्टरवर्ड्स स्टोरी, अभी की वो स्टोरी नहीं है, वो कभी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे. अब इसके अलावा यार अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़ और अकेडमिक के सिवा मेरे पास, मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरे अंदर एक ये बहुत कमी थी कि आई वॉज अ वेरी लेजी पर्सन. मैं बहुत आलस करती थी, मैं बहुत आलस करती थी यार,
मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि हु कैन स्लीप होल डे। मैं सुबह उठती थी, आई यूज टू वेक अप अराउंड 9, 9, 9:30 या 10, राइट। और ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अगेन पढ़ना मेरा कैसा था वो रिजल्ट दिख ही रहे थे मेरे। फिर दोपहर में लंच करके मैं फिर सो गई, फिर शाम को उठी 6, 7 बजे, फिर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर किया, अगेन रात में कुछ या तो आई यूज टू या तो मैंने चिल किया फैमिली के साथ बैठ के, मूवी वूवी देखा या कहीं घूमने चले गए सबके साथ, अदरवाइज ये सब नहीं ना, वापस मैं सो जाती थी। सुपर लेजी पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि इससे लेजी कोई होता भी होगा मेरे जैसा, बट अगेन मैं अभी नहीं हूँ। दैट वॉज अ टाइम वेन आई वॉज अ लेजीएस्ट पर्सन, एंड अगेन द रिजल्ट मुझे दिख ही रहे थे, उसके रिजल्ट जो मेरे लेजी होने के थे। मोर ओवर इसके सिवा आई डोंट नो टू सी दिस एज समथिंग कि मुझे रिग्रेट होना चाहिए या कोई ऐसी मिस्टेक या लाइक मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, बट मैं कभी घर पे, मतलब मैंने अपने घर पे कभी काम नहीं किया है। काम आज एन कि यूजली बहुत सारी गर्ल्स होंगी, इवन बॉयज़ आर ऑल्सो देयर, जो कि हेल्प करते हैं अपनी फैमिली के, मॉम के, डैड के, टू वर्क मे बी हाउस होल्ड्स में, कभी कभी बाहर से कुछ सामान वगैरह लाना है या ये सब चीज़ें, बट आई नेवर डिड ऑल दोज। अब आई डोंट थिंक सो कि इसको पता नहीं मिस्टेक लेना चाहिए कि नहीं, बट आई वॉज ऑलवेज अ पापा की परी काइंड ऑफ गर्ल। सो पता नहीं यार कि इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, बट हाँ दैट इज समथिंग विच अगेन आई रिग्रेट। अभी आई डोंट रिग्रेट, बट हाँ मुझे लगता है थोड़ा सा यार अगर मुझे हेल्प करनी चाहिए एटलीस्ट मॉम की और डैड की थोड़ी बहुत उनके कामों में, सो दैट जो भी मैं कर सकती हूँ उस चीज़ में। नेक्स्ट, अब जब मैंने अपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है सबके में मैथमेटिक्स, राइट। जब मैंने डेटा साइंस चूज़ किया, मैथमेटिक्स उसमें भी थी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा वगैरह होता है, सो एट सम टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई अदर दैन अदर लोगों से उस चीज़ को पढ़ने में या उस चीज़ को समझने में। एंड द रीज़न वॉज कि मैं उतनी बेटर नहीं थी मैथमेटिक्स में, मुझे 11th 12th की चीज़ें पहले दोबारा सब पढ़नी पड़ती थी, एंड देन आई वॉज मैं उस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी या लीनियर अलजेब्रा उन चीज़ों को समझ पाती थी अच्छी तरीके से। सो मुझे अपने 11th 12th के टाइम पे इफ आई वुड हैव डन दैट, तो मुझे इशूज लाइक फेस नहीं करने होता एट दैट टाइम। ओके, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ विच आई वुड से वॉज कि आई नेवर यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स। अगर आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता क्या चलने वाला है कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। यू वुड कंप्लीट अ एंटी सोशल पर्सन, जिसको ये नहीं पता है कि यार आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कहाँ पे क्या दंगे हो रहे हैं, कहाँ पे क्या क्योस क्रिएट हो रहा है, कौन नया इलेक्टेड सीएम है, कौन नया इलेक्टेड पीएम है। बाय द वे एक और मिस्टेक थी, आई जस्ट रियलाइज इट राइट नाउ कि व्हेन आई वाज 9th या 10th में दिया गया इसमें, ब्रदर आस्क्ड मी समथिंग और दैट वाज अ टाइम मुझको ये नहीं पता था कि हु इज़ अ पीएम एंड हु इज़ द सीएम। आई स्टिल फील शाई टेलिंग दिस, बट दैट्स द रियालिटी, दैट इज़ द रियालिटी अबाउट मी कि मुझे उस टाइम नहीं पता था एग्जैक्टली कि हु इज़ द सीएम एंड हु इज़ द पीएम। रीजन, क्योंकि मैं थी ही नहीं उस चीज़ में, आई वॉज नेवर इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स, राइट। दैट इज़ अ पार्ट। मोर ओवर उसके बाद यार द थिंग्स टर्न अराउंड, द थिंग्स चेंज्ड। आई डोंट थिंक सो आफ्टर माई 19 ईयर्स, आफ्टर माई 19 ईयर्स जब मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया करना फ्रॉम द कॉलेज 19-20 के बाद, सो आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसी कोई भी जो मेरी पुरानी गलतियाँ थी, आई रिपीटेड दोज अगेन। मैंने ध्यान से हर एक चीज़ को आई डिड, आई जस्ट मेड श्योर कि देर इज़ नो सच कमिंग बैक अगेन इन माई लाइफ। हर एक चीज़ को आई ट्राई टू फुलफिल कम्प्लीटली। अब मोर ओवर आई टेल यू कि देर वॉज अ मिस्टेक ऑल्सो कि मैंने स्टिल कुछ टाइम पहले तक मैं करती रही हूँ कि कॉलेज डेज में मैं अपनी हेल्थ पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रू एंड दैट इज़ समथिंग विच माई पेरेंट्स आर सुपर एंग्री ऑन मी ऑल्सो कि यार तुमने अपनी हेल्थ को हमेशा ख़राब किया है। एंड आई टेल यू आई एम ए पर्सन जिसको कि लव्स टू ईट जंक फूड। आई एम अ कंप्लीट पर्सन हु लव्स टू ईट जंक फूड। मुझे बहुत पसंद है जंक फूड खाना, बी इट नूडल्स, मोमोज, मैगी, वॉट एवर यू गिव मी, आओ बाहर का कुछ भी दे दो, आई ईट इट। सो
ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज कई बार मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती थी. आई यूज टू गो टू माई कॉलेज के हॉस्पिटल फॉर द सिवरल चेकअप्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन दोज ईयर्स हैपन टू मी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इशूज. सो दैट इज़ अगेन एंड एडवाइस फॉर एवरी वन गाइस कि यार इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट भी, मेक श्योर कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो. काम करना, पढ़ना, हर एक चीज़ इज सेपरेट, ठीक है? बट हाँ, द प्रायोरिटी इज योर हेल्थ एट दैट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट कि हेल्थ मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ध्यान नहीं दिया, बट हाँ नाउ आई एम पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स माई हेल्थ. मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ आजकल अबाउट द सेम. ओके, मैं अपने कॉलेज में नोट्स बहुत कम बनाती थी. आई डोंट नो कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए, बट फॉर मी इट वॉज कि मैं अगर कम नोट्स बनाऊँ दैट ऑल्सो हेल्प्स मी आउट. मतलब मैं अपने एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ लेती थी और मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई नोट्स नॉट मेड या उस तरीके से. बट हाँ, मे बी एक या दो बार ही आई रियलाइज कर अगर थोड़े नोट्स और होते तो शायद मेरा टाइम सेव हो जाता या मैं इस चीज़ को और बेटर पढ़ पाती फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर. नो अगेन दैट्स योर ओन कॉल यार कि इफ़ यू वॉन्ट आप अच्छे से बना सकते हो नोट्स, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट अगर आप ऐसे हो कि नोट्स के बिना भी पढ़ सकते हो सो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. दैट डिपेंड्स ऑन टू यू कम्प्लीटली. अब मूविंग यार, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि इस मैंने 22 चीज़ें आई हैव कम्प्लीटेड फॉर यू ऑल विद इन द पास्ट 22 ईयर्स वट एवर हैपन. द लास्ट थिंग विच आई वुड अभी के लिए सेम, एंड मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स, आप बोलो कि यूट्यूबर्स, यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स, मैंने सबको सुना है. एवरीवन टॉक्स अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, राइट? मैं बताती हूँ कि मैंने जब से अपनी अर्निंग स्टार्ट करी फ्रॉम द एज ऑफ 19 से करी थी आई गेस, फ्रॉम द एज ऑफ 19 और 20 मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी थी. सो फ्रॉम दैट डेट और जब तक मैंने अपनी जॉब नहीं ज्वाइन करी, आई नेवर इन्वेस्टेड इन समथिंग. मैंने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी. इट माइट हैपन कि कुछ लोग कहेंगे यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है. अगेन इसके पॉजिटिव नेगेटिव है, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो. विद इन द गुड थिंग या जो मैंने करनी चाहिए थी या जो मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, आप दोनों में से किसी में भी इसको कंसिडर कर सकते हो. बट आई वुड से कि दैट टाइम मैं क्या कर रही थी, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो उस टाइम पर मैं जो भी अर्निंग करती थी फ्रॉम दैट, आई वॉज trying to fulfill my small dreams. मैं अपने dad को car gift करी that time. मैंने अपने dad को I gifted him a bike. मैंने electronic gadgets खरीदे from that money, like laptop and mobile phones. मैं branded कपड़े खरीदे, shoes खरीदे, and like जो भी चीज़ें I wanted, small dreams, मैंने वो सारे पूरे किए from that point of view. हाँ, so it's again your call. आप इसको समझ सकते हो कि पॉजिटिव भी ले सकते हो, एंड सम पीपल माइट से कि नहीं यार इन्वेस्ट करना चाहिए था दैट टाइम. बट हाँ, आई वुड से जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी है, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है अपनी. जितने मेरे ये जब चीज़ें छोटी होती थी, दैट इज़ ऑल एंडेड अप नाउ. अब द मेन गोल इज़ द इन्वेस्टमेंट गोल, सो दैट इज़ ओके यार. अब आई वुड से कि जितनी भी थी, आई टोल्ड ऑल 23 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ टू यू ऑल. आई डोंट नो आप में से कितने लोग इससे कुछ सीखे होंगे, बट आई वुड से कि ये ऐसी गलती है जो आप सब ने ज़रूर करी होंगी अपनी लाइफ में. यू वुड हैव डन. अगर आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ अ समथिंग डिफरेंट थिंग. बट अगर शायद से इस वीडियो को देखने के बाद तुम अगर रियलाइज़ भी कर पाओगे यार ये चीज़ तो मैंने भी करी अपनी लाइफ में, राइट? सो और अगर तुम अपनी लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़े हो अभी तक, इफ यू आर स्टिल अ स्कूल स्टूडेंट, तो ये चीज़ें मेक श्योर करना कि तुम नहीं करो अपनी लाइफ में विच मिस्टेक्स आई डिड. मैं आई एम एट अ गुड पोजिशन आई वुड से, ठीक है? इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री आई वुड से कि हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है मेरे लिए अभी. द कंडीशन इज सेटिस्फैक्ट्री, बट इट वुड हैव बीन बेटर अगर मैंने ये चीज़ें उस टाइम पे नहीं करी होती. बिकॉज एवरी टाइम एवरी वन वॉन्ट्स मोर, हम सभी को ज़्यादा चाहिए होता है. जो चीज़ होती है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. सो आई वुड से कि मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स. सो वट आई लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ माई मिस्टेक्स है कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी मिस्टेक्स करी उन सबसे मैंने सिर्फ एक चीज़ ये सीखी कि 19 ईयर्स की एज तक, 19 मिनट तक मैंने सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ करी है अपनी लाइफ में, ठीक है? सिर्फ गलतियाँ करी हैं. एंड एज आई ज्वाइंड माई कॉलेज, द डे आई डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड, दैट वॉज अ डे कि उसके बाद आई डिडंट रिपीटेड एनीथिंग अगेन.
जो भी मैंने गलतियां करी पिछले 20 साल में, मैंने उन सबको सुधारना शुरू किया। द रिजल्ट यार, मुझको जोश टॉक में अभी रिसेंटली लास्ट से इनवाइट किया गया था। आई हैव रिकॉर्डेड 3 वीडियोज़ वहाँ पे, एंड वो जो वीडियोज़ थे दैट वॉज ऑल अबाउट कि विद द हेल्प ऑफ माई इंग्लिश स्पीकिंग मैं कैसे इंडिया के टॉप एडटेक्स में पढ़ाया हूँ और हाउ आई बिकेम द इंडियाज़ यंगेस्ट डेटा साइंस एडुकेटर। सो नाउ सी, जिस चीज़ के चलते मैंने अपनी चीज अपनी लाइफ में क्लास 12 तक मुझे लगता था मैंने हर एक चीज़ खोई है, उसी चीज़ के चलते आई गॉट काइंड ऑफ कुछ अच्छा मेरी लाइफ में मुझको मिला। सो दिस इज व्हेन आई से कि मैंने अपनी सारी गलतियाँ जो थी वो सुधार करके नाउ आई ट्राइड कि मैं चीज़ों को बेटर कर पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ फॉर माई फर्दर करियर। अभी रिसेंटली फॉर फ्यू टाइम बैक मुझे इंडिया का यंगेस्ट डेटा साइंस एडुकेटर आई वॉज रिकग्नाइज एज द वन। इंडिया के जितनी भी टॉप एड टेक्स हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ग्रैड एन अकेडमी किसी का भी नाम ले लो, आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर वहाँ पे। सो इन 23 ईयर्स ऑफ लाइफ मैंने ये किया। जितने भी मैं कभी IIT NIT में एडमिशन नहीं ले पाई, मेरा वो रिग्रेट था हमेशा के लिए जब मैंने YouTube भी स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत वर्कशॉप्स लेने लगी, बट मेरा रिग्रेट वो तब भी था कि यार मुझे जाना था वहाँ पे, मैं नहीं जा पाई। बट आज टिल डेट मैं IITs, NITs, 30+ कॉलेजेस इंडिया के जहाँ मैं नहीं जा पाई, जहाँ मैं जाना चाहती थी वहाँ पर मैं वर्कशॉप्स करती हूँ। इन्वाइट किया जाता है मुझे वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के HODs वगैरह से कि आप वर्कशॉप्स दो, सेमिनार्स, बूट कैंप्स, एवरीथिंग आई गिव ओवर देयर। मैंने फॉरेन के भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने इन यूडेमी मेरे पास अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आई हैव 179+ कंट्रीज के स्टूडेंट्स आई हैव करेंटली जो कि मुझसे पढ़ते हैं, मेरे कोर्सेज को पढ़ते हैं, दे टेक ऑल द लेसन्स फ्रॉम मी। सो जो अपनी मिस्टेक्स मैंने पास अपने 20 ईयर्स में करी थी, आई ट्राइड कि उनको सबको सही करके एज अ रिजल्ट मैं अगले 3 से 4 साल में कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने लिए। एंड आई गेस स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम मूविंग विद दैट टाइम। सो यार, सजेशन फॉर एवरीवन इज द सेम ओनली, गलतियाँ सब करते हैं, नो वन इज़ बॉर्न परफेक्ट, और जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे आप सीखोगे ना। जब तक आपकी लाइफ में गलतियाँ नहीं हो रही या फेलियर्स नहीं हो रहे ना, डोंट थिंक सो कि सब कुछ बहुत सही चल रहा है। जस्ट हमेशा गलतियों से सीखो, जो भी आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं उनको अच्छे से एकदम लड़ो उनसे कि नहीं यार, अगर आप फेलियर आया है तो आप टू कन्वर्ट दिस इंटू सक्सेस। बहुत सारी जब भी 12th के रिजल्ट आते हैं, JEE के, IIT के रिजल्ट आते हैं, तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी वो चीज़ क्लियर नहीं होती। सो दिस इज़ नॉट द एंड, कभी भी दिस इज़ नॉट द एंड। जस्ट आप एक एग्ज़ाम, 50 एग्ज़ाम या 100 एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पे, दैट इज़ नेवर एन एंड। आप ग्रेजुएशन करा तुमने, ठीक है, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुमने 100 कंपनियों में भरा, 100 में इंटरव्यू दिया, तुमको जॉब नहीं मिली, दैट इज़ नॉट एन एंड। अगेन देयर इज समथिंग जो तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान होके रखा है, दैट इज़ द वाई कि तुमको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सो हमेशा इस पॉजिटिव माइंड सेट को रखो, गो विद द फ्लो। एंड जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में करी हैं, अगर वो तुमने अभी तक नहीं करी हैं अपनी लाइफ में, तो मेक श्योर करो कि इनको ध्यान रखो, नेवर डू दैट अगेन इन टू योर लाइफ। सो होपफुली यार तुमने मेरी लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा, इस जो मैंने टॉपिक्स अभी तुमको बताया कि टॉप एडुकेटर कैसे बने, यंगेस्ट डेटा साइंस एडुकेटर, टॉप एडटेक कंपनीज, हर एक चीज़ के वीडियो आर ऑन द वे, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं इन सब चीज़ों को डालने वाली हूँ यूट्यूब पे, सो दैट यू कैन फॉलो दैट प्रोसेस एंड यू कैन ऑल्सो बिकम मोर बेटर दैन मी। आई डोंट वॉन्ट कि आप मेरी तरह बनो, मैं यही चाहती हूँ हमेशा मुझसे ज़्यादा आगे बनो। सो दैट इज़ अ थिंग, एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मिस्टेक्स अगर सीखी हो ना मुझसे, मेरी गलतियों से कुछ भी सीखा हो, तो मेक श्योर करना कि तुम उनको अपनी लाइफ में रिपीट मत करो। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।